हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मूवी क्विक एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन भी आपका जिस तरीके से पेटीएम काम करता है, फ़ोनपे काम करता है, गूगल पे काम करता है, उसी तरीके से आपका मूवी क्विक एप्लीकेशन काम करता है। यहाँ से भी आप रिचार्ज कर सकते हो, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप बिल पे कर सकते हो, आप किसी भी यूपीआई में पैसा भेज सकते हो, बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं तो वो आपको मिलती हैं, जिनको यहाँ पर मैं आपको गिना भी नहीं सकता। काफ़ी सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। दोस्तों इसका अभी मोस्टली यूज किया जा रहा है कॉइन डी सी एक्स में फंड ऐड करने के लिए। वहाँ पर मूवी क्विक वॉलेट के थ्रू ही फंड ऐड होता है। इसके अलावा वहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। यूपीआई का ऑप्शन पहले आता था लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया है। तो अगर आपको कॉइन डी सी एक्स में फंड ऐड करना है तो मूवी क्विक एप्लीकेशन का ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कॉइन डी सी एक्स के द्वारा आप किस तरीके से रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाओगे। दोस्तों वहाँ पर आपको यूज करना होगा इसी एप्लीकेशन का, मतलब कि मूवी क्विक का। वहाँ पर पहले फ़ोनपे या फिर पेटीएम के यूपीआई से फंडेड हो जाता था लेकिन अभी वहाँ पर वो ऑप्शन बंद कर दिए हैं। तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मूवी क्विक का। तो दोस्तों मूवी क्विक में किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, फंडेड किस तरीके से करते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हैं और भी दोस्तों इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिस्प्ले पर करके दिखाने वाला हूँ। मूवी क्विक में अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले मूवी क्विक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप इसको प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करेंगे इसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा। आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओटीपी रिसीव होगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद इधर केवाईसी करने के लिए बोल रहा है या फिर आप इस केवाईसी को छोड़ भी सकते हैं स्किप केवाईसी पर करके, लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो कुछ परमिशंस है, मैं उसको अलाउ करूँगा। यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो ये हमारी लोकेशन को ले लेगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालूँगा, बॉक्स पर क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को करूँगा तो यहाँ पर उसके बाद ये हमें कैप्चा देखने के लिए मिलेगा। तो अभी कैप्चा कोड हमें फिल करना है और आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद जो हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी देख के यहाँ पर डालना है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। तो जब आप इसको प्रोसेस करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पैन कार्ड के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर टाइप करना है। तो पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आप इसको प्रोसीड करोगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम मिसमैच है तो इसीलिए हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, मैंने इसको स्किप किया और मैं अपनी प्रोफाइल पर आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें बैलेंस कुछ भी नहीं है, ना ही अभी हमारा इसमें बैंक अकाउंट ऐड है। तो इसमें मैं अपना बैंक अकाउंट लिंक भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से भी मैं इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूँ। अदरवाइज इसमें दोस्तों और भी दो तीन ऑप्शन है जहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर हटा दूँगा। उसके बाद दोस्तों अभी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं इसको अलाउ या फिर डोंट अलाउ कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसमें ईमेल अपडेट भी कर दूँगा और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, तो मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर देता हूँ। तो नाम, अकाउंट नंबर और दोबारा से अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालने के बाद रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा तो सक्सेसफुली यहां पर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। अब दोस्तों इसमें मैं प्रोफाइल पर जाके देखता हूं तो यहां पर बैलेंस मैं इसमें ऐड करने के लिए जाऊंगा तो दोस्तों अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें फ़ंड ऐड कर सकता हूँ क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट अभी लिंक हो चुका है। तो दोस्तों इसमें मैं अभी 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जो बॉक्स आ रहा है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपको 79 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो फंड ऐड करने के लिए इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू करना चाहूँगा। तो यूपीआई के लिए यहाँ पर मेरा यूपीआई पेटीएम बैंक पर चल रहा है तो मैंने उसको सर्च किया, उसके बाद मैं अलाउ या फिर डोंट अलाउ इसको कुछ भी कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद आपको सिम सेलेक्ट करनी है कि आपका पेटीएम बैंक अकाउंट कौन से सिम से बना हुआ है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली फेच
कर लेगा। तो दोस्तों ये इसने यहाँ पर मेरा अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली कर लिया, यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। उसके बाद मैं इसी अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अपना फंड ऐड करने के लिए। तो मैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्लिक किया हूँ, इसके बाद ये हमें सीधा पेटीएम पर रीडायरेक्ट करेगा। वहाँ पर हमें अपना पिन डालना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा पेमेंट है तो उम्मीद है कि हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर हमारा पेमेंट है तो वो हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप भी इसमें अपना फंड ऐड कर सकती हैं। अगर मैं इसमें बैक करके जाता हूँ तो मैं इसमें देख सकता हूँ अपनी प्रोफाइल पर जाके कि वहाँ पर फंड ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ। दोस्तों आप इसको रेफ़र भी कर सकती हैं, ठीक है। आपको इसमें रेफ़र करने के आई थिंक 20 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें रेफ़र के थ्रू भी पैसा कमा सकती हैं। अभी दोस्तों मैं इस पर अपनी प्रोफाइल पर जाके देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारा 100 रुपये का फंड ऐड हो चुका है। और फ्रेंड, अगर आप इसमें रेफर एंड अर्न के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोबीक्विक का एप्लीकेशन ओपन करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जब आप इसमें लास्ट में जाओगे तो दोस्तों आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से रेफ़र करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से आप किसी को भी अपना लिंक डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं और आपके लिंक से जो भी अकाउंट बनाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा जब, तो जैसे कि आप जान चुकी हो कि मोबीक्विक में किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, और भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो दोस्तों इतना काफ़ी रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।